सूरत जिला लाजपोर जेल माथी हत्या केसना आरोपीओ फय्यूज सुकरीए टेलिफोनिक धमकी आपी व्याज वसूली करी रह्या होवानो ऑडियो सामे आव्यो छे। एटलू ज नहीं पण रेडीमेड गार्मेंटना वेपारीए पोलीस कमिश्नरने अरजी करी तमाम पुरावा आपी न्यायनी अपील करी छे। जेनी पर लाजपोर जेल माथी फोन आव्यो हतो ते तारिक हारून मेमणे जणाव्यु हतु के मैं फय्यू सुकरी पासेथी वेपार माटे 10% व्याज पर 3 लाख लीधा हता। लॉकडाउन बाद वेपार ज बंद रहता व्याज न चूकवी शक्या ने जेल माथी पेरोल पर आवेला फय्यू सुकरीए धमकी आपीने बळजबरी थी दुकान लखी आपवा दबाण करी रह्यो छे। एटलू ज नहीं पण व्याज साथे मुद्दल मळी हवे 5 लाखनी बाकी निकळती रकमनो हिसाब बतावीने दर महीने 50,000 व्याज मांगी रह्यो छे। व्याज नहीं आपता जुदा जुदा मोबाइल टेलिफोन नंबर परथी धमकीओ आपी रह्यो छे। तारिक हारून मेमण उमर वर्ष 42 रहे राजावाड़ी रामपुराए जणाव्यु हतु के वर्ष 2019 मैं वेपार माटे फय्यू पासेथी बे वार मळीने 3 लाख रुपया व्याजे लीधा हता। दर महीने व्याज आपतो आव्यो छुं। जो कि वर्ष 2020 मां महामारीने लईने लॉकडाउन आवी जता वेपार उद्योग बंद करी देवाया हता। त्यारबाद कोई आवक नहीं होवाने कारणे व्याज पण आपी शक्या न हता, जेने लई फय्यू दबाण करतो हतो, जेथी अमे जे ते समय पोलीस कमिश्नरने अरजी करी न्यायनी अपील करी हती। तारिक हारून मेहमान भी आप कहाँ पे आए हो, क्या रिजोर्ट करने आए हो, किस लिए आए हो? मैं कमिश्नर ऑफिस के पास आया हूँ और फय्यू सुकरी नाम से उसके हिसाब के लिए मैं आया हूँ। जिन्होंने पास से फय्यू सुकरी के पास से मैंने 2,70,000 रुपये ब्याज से लिए हुए थे और उसको आज 2 साल से मैंने उनको हर महीने 50,000 रुपये करते 35-50 हज़ार करते करते 2 साल हो चुके हैं और मैंने उसमें 14 लाख रुपये उनको पहुंचा चुका हूँ। फिर भी आज उसी की यही मांगे कि मुझे मेरे 5 लाख रुपये दे, नहीं तो तेरी दुकान या तेरा घर वो मेरे नाम कर दे, न कर तू नहीं कर सका तो तेरा कुछ भी कर जाऊंगा मैं। क्या कुछ भी? यानी तेरा मर्डर कर दूंगा या तो तेरे औरत बच्चे जो भी है, तू तो जानता ही है कि हम लोग कैसे हैं, कहाँ से फोन जेल में से, और हमारी गैंग का तो तुझे पता ही है और जेल तो मेरे लिए एक घर है। आप क्या चाहते? अब मैं इंसाफ चाहता हूँ सर से, अगर ये इसी तरह ये जेलों से इस तरह से केवल हम जैसे डरा रहे तो सर से अपेक्षा करता हूँ। अब बात को अर्ज करना चाहता हूँ कि आप सभी ये खुद तपास दें और हमें इंसाफ दिलाए, और ये बंदे बहुत ही नालायक और बहुत ही वो है लुखत से पूरे। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 न्यूज़, सूरत।